मोशनल ईएमएफ का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी न्यूमेरिकल में काम आता है कैसे। जय सपोज करो इसके अंदर ये एक रॉड है, रॉड कहाँ मूव कर रही है, लेफ्ट मूव कर रही है, तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी बीएलबी, और कैसे डेवलप होगी अभी डिस्कस भी किया था कि करंट फ्लेमिंग के रूल से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, अगर करंट नीचे आएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ईएमएफ के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वो कह रहा है कि काम करो ये पूरा सर्किट की रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल आर है, ठीक है, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक, तो ये रेजिस्टेंस लगा ली आपने कैपिटल आर, ठीक है, तो इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जा रहा है क्लॉकवाइज सेम, इसके अंदर रॉड के अंदर ईएमएफ डेवलप होगी बीएलवी, तो आप इस रॉड की जगह एक बैटरी लगा दो, तो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा बीएलवी, और बैटरी का ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है, क्योंकि इस रॉड के ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, नेगेटिव पॉजिटिव कोई डाउट इसमें, तो वो डायग्राम और ये डायग्राम में कोई फर्क नहीं, कभी कभी हमें किसी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप टर्मिनल्स कैसे लगाते हैं, यूज करंट नीचे आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बैटरी का ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव रहेगा, कोई डाउट इसमें।